तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में एक नया हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। हमारे साथ मनोज जी और अमित जी दो स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ ले रहे हैं। तो मनोज जी और अमित जी, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई मिलेगा कहाँ से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर हमें गूगल बाबा दे देते हैं, तो गूगल बाबा जी से पूछ लीजिए आप कि पावर बी आई डाउनलोड। लेकिन जब भी डाउनलोड करें तो एक बार देख लें कि आपके जिस पेज पे डाउनलोड पेज पे जा रहे हैं उसका पाथ क्या है। ऐसे नहीं जैसे ये देखिए पावर बी आई, ये सब साइट्स पे मत चल जाइएगा, ये साइट्स पे आपको जो है नहीं मिलेगा। तो हम माइक्रोसॉफ्ट की पावर बी आई डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम पर जाते हैं, पावर बी आई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास पावर बी आई डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है। दो चीजें, एक पावर बी आई मोबाइल फोन भी है आपका, आपका पावर बी आई आपका ऑन प्रमिशन डेटा गेट भी नहीं, यानी कि क्लाउड भी है, बहुत सारा इसका है, लेकिन हमें बात कर रहे हैं किसकी, पावर बी आई डेस्कटॉप की। और इसको हम डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए या इस पर क्लिक करते हैं आपका स्टोर खोल जाता है, लेकिन स्टोर दिक्कत हो तो नीचे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसके डाउनलोड पे क्लिक करें। अब आप सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम कौन सा है। तो हमारा 64 बिट का है तो 64 बिट को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया और फिर ये आपकी डाउनलोडिंग यहाँ देखिए स्टार्ट। सर तो डाउनलोड करना समझ में आ गया, इसके लिए कोई आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। परचेज करने का दूसरा तरीका है जिसको आप कर सकते हैं, उसके बाद बात आती है इंस्टॉल करने की, कैसे इसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम। दो कुछ सेकंड्स बचे हैं, मैं इंस्टॉल करके दिखाया था, तब तक मैंने जो इंस्टॉल कर रखा है उसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं ताकि आपको इंस्टॉल कैसे करना है ये पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं अपनी कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करता हूं पहले से इंस्टॉल हमारे जो है उनको। पावर बी आई डेस्कटॉप अनइंस्टॉल, लेकिन इंस्टॉल करना आपको आता ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आईडी वाईडी बनाना पड़ता है, तो वो मैं बताने के लिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूं। ये मेरा सेटअप डाउनलोड हो गया, अब इसको रन कर दीजिए आप। लैंग्वेज नेक्स्ट, दोनों एक साथ कर दिया, दो मिनट अभी मेरा पहले से जो था उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, अब मेरा आया, फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, एक्सेप्ट। ये जनरल चीज है, अब ये तो आपको पता ही होगा, इसमें अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं, आपका पावर बी आई का डेटा फाइल रहेगा। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना है ठीक है, अदरवाइज नहीं करना तो अनचेक कर दीजिए, तो आपका पावर बी आई इंस्टॉल हो रहा है।
आपने बस वेबसाइट सिलेक्ट किया है 64 बिट का और क्लिक क्लिक किया है, बाकी कुछ और अदर कुछ सिलेक्ट नहीं किया ऑप्शन, है नहीं ना? हम नहीं, आप गूगल पे पावर बीआई को सर्च कीजिए, powerbi.microsoft.com पे चले जाइए, वहाँ से उस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर पे चला जाता है, तो आप नीचे एडवांस ऑप्शन में चूज कीजिएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश करके डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 45 MB के आसपास की फाइल है इसकी, है पैच सॉरी क्या कहा आपने सर? 245 MB की साइज है इसकी सर। ठीक ठीक है सर, है अमित जी, अमित जी आप है नहीं? हेलो अमित जी, गायब हो गए सर, बोलिए ना, आपका माइक अनम्यूट तो है। रिमूविंग बैकअप फाइल, अब आपने जैसे दोबारा पहले अनइंस्टॉल किया, दोबारा इंस्टॉल किया है, तो ये आपकी जो फाइल्स थी जो पावर बीआई में पहले बनी हुई थी, उनका क्या होगा? वो खत्म हो जाएंगी या दोबारा से एक्टिवेट हो वो तो जाएंगी? सेम है, फाइल्स अलग होती है ना सर, वो तो सेम है, डेटा तो डिलीट होता है, एप्लीकेशन छोड़ने से। अच्छा, वो फाइल सेम है, जैसे अगर पावर बीआई अनइंस्टॉल कर दो तो वो नहीं ओपन होगी, राइट? हाँ जो डैशबोर्ड वो बनाया है पावर बीआई में वो नहीं होगा, तो क्या आपने अनइंस्टॉल कर दिया? वापस चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो तो पावर बीआई के साथ ही सेव होती है, अनइंस्टॉल करो तो वो खत्म हो जाती है। नहीं जी, आपकी लोकेशन पे सेव होती है, फाइल है ना वो, ओके कभी भी कोई एप्लीकेशन अपना सेव फाइल तो डिलीट करती है, सिर्फ अपना सेटअप फाइल ठीक है, करती है ना। ओके थोड़ा सा जब भी आप ओपन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, पावर बीआई ओपन होने में, स्लाइड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट सर? ठीक है। चाहे टैबलू हो गया, कोई भी जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये आपका खुल गया, खुलने पास विंडो आएगा, पहला आपका साइन इन है, राइट? और ठीक है, दूसरा आपका ये है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर सकते हैं। साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट का साइन करने के लिए बोलेगा अकाउंट पावर, तो यहाँ पे अगर लिख सकते हैं नीड टू पावर अकाउंट ट्राई फ्री, आप सकते हैं उसमें, लेकिन प्रॉब्लम हुई है कि फिर आपको परचेज ठीक ट्राई वर्जन चल जाएगा, फिर आपको परचेज करना पड़ जाएगा, है। ठीक है? तो परचेज करने की जरूरत नहीं, हटा दीजिए, तो परचेज कर ले, परचेज होने से फायदा होता है कि आपकी क्लाउड पे आपको एक लोकेशन, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि आपको इसमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है सर, मैं मंथली बेसिस पर रख रखा हूँ, तो मैं 1-2 दिन में उसको परचेज करूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, उसे सिस्टम कराऊंगा, तो क्या है सर, मंथली बेसिस पे हमारा होता है, जब जरूरत पड़ती है तो परचेज कर लेते हैं ना सर, पता है ऐसे। राइट राइट, बिल्कुल। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पड़े है, जैसे कि हमने कोर्स सिलेबस का आपको समझाया था कि पावर बीआई आखिर है क्या और क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले इसके बारे में जान लीजिए। जैसा कि सुबह में मनोज जी ने ज्वाइन किया था और आपने बताया था कि पावर बीआई जो है, पावर बीआई का इस्तेमाल होता है दो चीजों के लिए, होता है क्विकली मेक द रिपोर्ट, रिपोर्ट को आप क्विकली बनाते हैं, पहली। दूसरी, अगर आप एक्सेल रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपके पास, एक्सेल पे भी बनाते थे हम, लेकिन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक लिमिटेशन होता है, इसमें लिमिटेशन नहीं है, डेटा लिमिट नहीं है। मान लीजिए आपके पास अगर 15 लाख का डेटा सीरीज है तो आप इस पे यूज नहीं कर सकते, इसको एक्सेल भी यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर से डेटा को कनेक्ट करने का चांसेस है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि इसको सीखने से पहले आपको दो चीज दो तीन चीज एक्सेल का सीखना होगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक पिवट टेबल है। अब चलिए आपको कंपेयरिंग बताते हैं कि पिवट टेबल इसमें क्या कंपेयरिंग। जैसे आपके सामने एक डेटा है हमारे पास, इस डेटा को लिया और हमने मान लीजिए कि इंसर्ट पिवट टेबल। अब मेरा रिपोर्ट कैसे बनेगा? अब मेरा रिपोर्ट बनेगा जैसे जैसे मैं उठाऊंगा और चार फील्ड में रखता जाऊंगा, मेरा रिपोर्ट बनता जाएगा जैसे पिवट टेबल में होता है। और इसकी विजुलाइजेशन अगर चाहिए तो इसके लिए हम लोग चार्ट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें चार्ट्स और बाकी चीजों की लिमिटेशंस होती है, जो जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है। बट अगर आप इसी चीज को अगर आप इसमें करें, इसमें आप गेट डेटा पे जाए, क्योंकि इसका अपना डेटा नहीं होता है, कहीं इसी डेटा लिंक करता है, और हमने डेटा को ओपन कर दिया। ये आपका लोड हो रहा है डेटा। ओके, अब यहां आप देखिए आपके फील्ड्स आ गए, ये आपके फील्ड्स है, ये आपके फिल्टर्स है, ये आपके वैल्यूज है। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट को लाया, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट में मुझे क्वांटिटी का सम चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी का प्रोडक्ट और क्वांटिटी का सम इधर डेटा फॉर्मेट में आ गया, जैसे रिपोर्ट में पिवट में होता है उसी तरह से आपका आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज में आपके पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी पे क्या सम करना है, एवरेज करना है, क्या करना वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते। अब इसकी ये देखिए इसकी विजुलाइजेशन से चार्ट्स है कि आप इसको अपने चार्ट्स फॉर्मेट में ईजिली डाल सकते, ठीक है। तो जैसा चाहिए वैसा इस पे कर सकते हैं इसमें। और यहाँ इसमें बहुत एक जो है आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चार्ट्स का ये दिया हुआ है, मतलब कि सुविधा है कि इसमें आप बड़े बड़े अलग अलग डिजाइनिंग स्टाइलिश चार्ट्स को बना सकते हैं। और बहुत सारे चार्ट्स के एग्जांपल्स है इसमें, जैसे ट्री मैप हो गया और बहुत सारे आपका इसमें KPI हो गया, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यही होता है कि क्विकली आपको ऐसे फिर दूसरा फील्ड रखेंगे तो एक ही डेटा को अलग अलग एंगल या अलग अलग डेटा के अलग अलग एंगल से करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पावर में एक इस्तेमाल होता है। तो इसमें आपका एक और होता है एडिट क्यूरीज, मतलब कि डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ करना है। जैसे कि डेटा आपने इंपोर्ट किया और इसमें से मान लीजिए क्वांटिटी है, इसमें MRP वगैरह नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड करने हैं। यहाँ पे कस्टम कॉलम मुझे टोटल आ जाए ताकि मैं टोटल पे कर सकूँ, तो आप यहाँ पे अपना कस्टम यहाँ पे मैं देता हूँ टोटल। यहाँ पे अपने फंक्शंस एक तो है, यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे एक तो है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और MRP इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फॉर्मूले भी होते हैं, जिसका इंसर्ट पे जाए मैंने फॉर्मूले भी होते हैं, इसके फॉर्मूले भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके। तो आप इसके अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन होता है जैसे यहाँ पे देख रहे आप, ये सारे फंक्शन है दिख रहा है जैसे एक्सेल में होते हैं, तो ये लगा सकते हैं। तो इसमें स्क्रिप्टिंग है, तो इसलिए हमारे कोर्स के अंदर में हम डायरेक्ट पावर BI नहीं सिखाते। पावर BI से पहले 5-7 क्लासेस होती है पिवट, पावर पिवट, पावर क्यूरी, ये सब चीजों के बारे में, समझे अमित जी एंड मनोज जी। तो अब आप बात हम पहले इस पार्ट को करेंगे, मैं जो एक्सेल में पिवट की पार्ट है उसको करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका पावर BI का पिवट ही है, क्यूरी इसमें एक्सेल में क्यूरी है। तो
एक्सेल आप लोग फैमिलर है, इसको एक्सेल में पहले बताने की वजह क्या है? वजह यह है कि एक्सेल में आप लोग फैमिलर है, तो होगा क्या कि एक्सेल में आप उसको जल्दी समझेंगे। अगर मैं इसी चीज को डायरेक्ट पावर बीआई पे सिखाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मनोज जी का क्वेश्चन आया कि हम यहाँ पे क्यों कैलकुलेशन करें, डायरेक्ट डेटा में क्यों ना कर दें, तो इन सबों के क्वेश्चन का जवाब आपको जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात होती है कि जैसे जैसे से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कराएंगे तो उससे प्री रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको देंगे देखने के लिए। तो हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग से हमारे पावर पिवट टेबल के, ये रिकॉर्डिंग से चार पांच है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको देखें, उसके बाद फिर हम आपकी पिवट टेबल स्टार्ट करें, क्योंकि आज जिस लेवल का मैं पिवट टेबल पढ़ाऊंगा उसके लिए पिवट टेबल की थोड़ी बहुत पहले से जानकारी होनी चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि आपके पास पहले से कितनी जानकारी है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। मने जुने जी आपके यही आईडिया है ना? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, यही है, मनोज जिन्हें ITIO.com। हाँ मैंने भेज दी है मेल। तो अमित जी एंड मनोज जी, पहले आप उस पिवट टेबल की रिकॉर्डिंग्स को देखें, फिर हम आगे आपके साथ पिवट टेबल करेंगे।